अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को चिकन टिक्का तवा स्टाइल में बताना सिखा रही हूँ। ये देखें, बहुत आसान, बहुत सिंपल। ये हम लोग बिहारी स्टाइल में बनाते हैं। यहाँ लोग बहुत सारी चीज़ें डालते टिक्के में, मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, सिंपल, बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी। और आप देखिएगा, ये देखें, आप चिकन ले लें लेग पीस और दो नींबू का रस निकाल लें और उसमें जर्दा के कलर जो होता है कलर फूड वो डाल दें और उसके बाद चिकन में आप उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, लगा दें। ये देखें, ये देखें, सब में लग गया। और उसके बाद मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, यहाँ बड़े गौर से देखिएगा और समझिएगा, बिल्कुल सिंपल। ये देखिए, दो चम्मच दही डाल दिया, ये पपीता एक चम्मच भर के, और ये पीसी मिर्च है दो चम्मच, ये एक चम्मच भर के, काली मिर्च है और एक प्याज है बस, और ये अदरक है। ये हमारा बिहारी स्टाइल है कबाब, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा खा करके, ये सिंपल मसाले में भी इतना टेस्टी बन सकता है टिक्का। कुछ भी बाहर का मसाला नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। और इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा डाल दें क्योंकि वो मसाला जो है चिकन में वो चिपका रहेगा, ज़ाया नहीं होगा, चिकन से बाहर नहीं आएगा। ये देखें, ये अच्छी तरह इसमें आप मसाला लगा लें। मसाला लगाने के बाद आप 2 घंटा डीप फ्रीज कर दीजिएगा इसको, ऊपर वाले खाने में रखिएगा ताकि वो बर्फ़ जमे नहीं, लेकिन ठंडक इतनी हो कि वो उसमें मसाला जज्ब हो जाए। ये 2 घंटे के लिए आप ज़रूर रखिएगा मसाला लगा के फ्रीज़र में। ये देखिए, मसाला लग गया, आप इसको ढककर डीप फ्रीज कर दीजिए 2 घंटे के लिए। फिर आप इसको निकाल लें, ये देखें, अच्छी तरह फिर हाथ की मदद से इसको जज्ब कर दें उसके अंदर, खाने खाने जो कट लगा हुआ है ना उसमें आप डाल दें मसाला, अच्छे से लगा लें। और ये तवा ले लें, तवे पे तेल डाल लें, आधा कप तेल डाल दें इसमें, ये चिकन डाल दें इसके ऊपर। और आँच जो है ना बहुत तेज़ नहीं रखिएगा, बिल्कुल कम कम आँच में इसको फ्राई कीजिएगा, तेज़ आँच पर नहीं। बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी कबाब हमारे यहाँ ऐसे ही कबाब बनता है। ये देखें, पपीते की वजह से आपका चिकन बिल्कुल गल गया है और देखें अलग अलग से नज़र आ रहा है। ये देखें हमारा तवा टिक्का, बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनता है। आपको कोई सेकने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें बना लें आराम से। और ये देखें हमारा चिकन टिक्का तैयार है, आप इस सर्व कर ले। ये मीठी चटनी बनाई हूँ मैं इमली की, और उसके बाद धनिया की पत्ती की चटनी है, इसके साथ आप सर्व करें और खाएं। बताएं हमें कैसा बना, ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। हमारे साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।